अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। एक नए दिन के साथ एक नई वीडियो का आगाज़। तो आज हम बात करेंगे जापान के बारे में। जैसे कि पहले मैंने वीडियो बनाई थी जब जापान एम्बेसी ओपन हुई थी, तो मैंने वीडियो बनाई थी कि हमने केसेस सबमिट करवाए हैं, तो क्या क्या एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं। और उसके बाद फिर मैंने दोबारा वीडियो बनाई थी कि मेरे वो तीनों वीज़े ग्रांट हो गए हैं। तो खैर, मैं किसी का वीज़ा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शो नहीं करता है, बेशक वो मैंने लगवाया हो, बेशक किसी का हो। मैंने कभी किसी का जो है ना वीज़ा अपने चैनल के ऊपर शेयर नहीं किया। हमेशा अपने ही रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है या अपने ही वीज़े होते हैं सर, वो शेयर किए हैं। जो शेयर किए थे वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने फोर्स किया था कि अब ये जो है ना लोगों को तक इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। खैर, कुछ लोगों के उसके बाद मुझे कमेंट्स आए कि सर वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूब पर झूठ बोलते हैं, आपने ये कहा था वो हो गया। वो उनकी शिकायत शिकवे एक जगह अलग, उनका भी मैं रिप्लाई करता हूँ आपको। तो जापान एम्बेसी की सिचुएशन क्या चल रही है कि जिस दिन हमने वीज़े अप्लाई किए थे उस दिन सिर्फ 3 और 4 बंदे थे सबमिट करने वाले। उन 3-4 बंदों के सबके वीज़े लग के आ गए। उसके बाद जैसे ही पता चला है जी लोगों को जापान एम्बेसी ओपन हो चुकी है, अब एक दिन के अंदर 350 से 400 बंदा अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करवा रहा है जापान एम्बेसी के अंदर। कुछ लोगों को पता चला है जी जापान एम्बेसी की फ़ीस नहीं है, जमा करवा दो। कुछ लोगों के लिए इसलिए कर रहे हैं कि यार वहाँ पे पैसे अच्छे हैं, जाके वीज़ा लग जाएगा, वहाँ चले जाएंगे तो लाइफ बन जाएगी। हर हर एक बंदे का एक मकसद होता है, लेकिन मैंने वीडियो में वाज़ह तौर पे कहा था कि वो बंदा अप्लाई करे जो बंदा समझता है कि मैं इस चीज़ के लिए एलिजिबल हूँ। तो जो लोग एलिजिबल नहीं हैं उनकी वजह से जिन लोगों का वीज़ा बनता है उनका भी रिफ्यूज़ हो जाता है। अब मैंने वहाँ पर लोग देखे हैं। अब देखें गुजरांवाला का एक केस मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि 25 लड़के थे एक ही ग्रुप के। उन 25 लड़कों ने जापान का वीज़ा अप्लाई किया था, 25 ही जो है ना एक ही कंपनी में काम करने वाले थे। 25 बंदों ने एक ही बंदे से अपनी फाइल रेडी करवाई है और उन 25 में से सिर्फ एक बंदे का वीज़ा लगा। वो जिसका वीज़ा लगा है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी सिर्फ दुबई है। और वहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके अमेरिका का लगा हुआ, यूके का लगा हुआ, उनका रिफ्यूज़ हो गया। 1.5 करोड़ की बैंक स्टेटमेंट है, रिफ्यूज़ हो गया। उसकी 12 लाख की स्टेटमेंट थी, उसका वीज़ा लग गया। ठीक है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, वो क्या देखते हैं वो बेटर जानते हैं। लेकिन जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है, मैं यही कहूँगा कि फ़िलहाल आप लोग जापान का वीज़ा अप्लाई ना करें। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा लोगों ने रश कर दिया है। लास्ट वीक में 400 बंदा 350 बंदा रोज़ वहाँ पर झगड़े होते थे एप्लीकेशन सबमिट करवाने के चक्कर में। फिर अब उन्होंने क्या कर दिया है, इस मंडे से उन्होंने सिर्फ पहले फर्स्ट 100 बंदा जो आता है ना उसके डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, उसके अलावा जो है लोगों के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे। और इसमें भी क्या सीन हो गया, पहले तो उन्होंने क्या किया था कि 400-500 बंदा आता था, उन्होंने कहा जी कि जो ग्रुप में आते हैं वो सिर्फ एक बंदा अंदर जाए सबकी एप्लीकेशन सबमिट करवाए, जो फैमिली के साथ आता है वो सिर्फ एक बंदा अंदर जाए फैमिली मेम्बर वो सबके डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए। उसके अलावा भी रश इतना था, अब उन्होंने ये कर दिया कि वो सिर्फ पहले 100 केस सबमिट करते हैं। और उसमें होता यूँ है कि अगर कोई ग्रुप में आ गया वो 10 केस लेके अंदर चला गया एक बंदा, तो वो 10 ही कंसीडर होंगे, वे एक केस कंसीडर नहीं होगा। वो पहले सिर्फ 100 केसेस को एंटरटेन कर रहे हैं, उसके ज़्यादा को नहीं। हमने ये सोचा था कि शायद ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम ऑन करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। ठीक है, अपॉइंटमेंट सिस्टम ऑन नहीं किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ फर्स्ट 100 बंदे कर दिए हैं। और जो शटर सर्विस का टाइम है वो उन्होंने 8 बजे से लेकर 10:40 तक जो बंदा वहाँ पहुँचता है उसको शटर बस लेके जाती है, दूसरे बंदे को लेके नहीं जाती। उसके बाद जो रिसीविंग वाले होते हैं वो 1-1.5 बजे के बाद जो है ना शटर सर्विस उसको टिकट देती है, तो फिर वो जा सकता है। खैर, ये तो एक थोड़ी सी डिस्कशन थी आपके साथ करने वाली जापान एम्बेसी के बारे में। जो लोग कहते हैं कि कुछ लोग वहाँ आए थे सर हम आपकी वीडियो देख के वीज़ा अप्लाई करने आए, ये देखें आपने वीडियो देखी है लेकिन आपने उस वीडियो से कुछ सीखा है नहीं सीखा मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर सबसे जो ज़रूरी है वो आपका ट्रैवल प्लान है। ठीक है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो वो समझ लें आपका लक है। ठीक है, देखिए अब 400 बंदा जमा करवा रहा है, उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाले हैं जब वो जो भी हो उनका एक क्राइटेरिया चेक करने का वो अपना उन्होंने पूरा करना है, फिर उन्होंने वीज़ा इशू करना है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 1.5 करोड़ वालों के वीज़े लगे भी हैं, रिफ्यूज़ भी हुए हैं। 12 लाख वालों के वीज़े लगे भी हैं, रिफ्यूज़ भी हुए हैं। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, जब इतना रश होगा तो ये सब कुछ होता है। अब 400 बंदे में से उसने 400 बंदे को तो वीज़ा इशू नहीं कर देना, 400 में से बड़ी हद है 30 को कर देंगे, 40 को कर देंगे एक दिन में, फिर इतनी उनके पास होती है, उससे ज़्यादा तो वो नहीं करते हैं। खैर, अब मैं अपने वीज़े की कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने 2020 में वीज़ा लगवाया था जापान का, फरवरी के एंड में मेरा वीज़ा लगा था।
लेकिन मैं ट्रैवल नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि फरवरी के एंड पे वीज़ा लगा था और मार्च में 23 मार्च को फ़्लाइटें सस्पेंड हो गई थी। कोविड की बहुत तेज सिचुएशन थी, जाने के लिए भी मतलब मैं थोड़ा सा ये था कि यार जाके फंस ना जाऊँ, तो वही सीन हुआ, फ़्लाइट बंद हो गई। तो खैर, जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया, मैंने कवर लेटर के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन किया कि फ़लां डेट को मेरा वीज़ा लगा था, फ़लां डेट को फ़्लाइटें सस्पेंड हो गई जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका, तो लिहाजा इसलिए मैं दोबारा वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मैं जापान दोबारा विज़िट करना चाहता हूँ। जिस दिन मैं केस सबमिट करवा के आया, बाहर निकला, मुझे एक बंदा मिला, उसने बताया कि एक बंदे का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है क्योंकि वो पहले जापान का वीज़ा लगा था लेकिन उसने ट्रैवल नहीं था किया और उसका दोबारा रिफ्यूज़ हो गया। खैर, मेरे ख्याल में उसने अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन नहीं किया होगा कि मेरा क्यों नहीं जा सका, तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा वरीड था। और ऊपर से बात यह बन गई कि 25 को मैंने अपना पासपोर्ट सबमिट करवाया, मतलब कि ट्यूसडे को सबमिट करवाया, और नेक्स्ट मंडे को मुझे कॉल आ गई जिसके अंदर सैटरडे संडे दो छुट्टियां भी होती हैं, मतलब कि 3-4 दिन के अंदर मुझे कॉल आ गई कि आप अपना आगे सुबह पासपोर्ट रिसीव कर लें। तो मेरा जो शक था वो यकीन में बदल गया कि वीज़ा 100% जो है ना रिफ्यूज़ हो गया है, वीज़ा उन्होंने मुझे नहीं दिया इसी चक्कर में कि जी आप पहले तो गए नहीं थे, अब फिर आप मूड आके आ गए हैं, पहले हमने आपको वीज़ा दिया था। उसके अलावा मुझे कुछ लड़कों की कॉल आ रही थी यूट्यूब से नंबर लेके कि भाई हमने 18 तारीख को पासपोर्ट जमा कराया, अभी तक कॉल नहीं आई, 20 तारीख को पासपोर्ट जमा कराया, अभी तक कॉल नहीं आई। और कुछ लोगों का ये बन चुका था कि जिनका थोड़ा सा टाइम लग रहा है उनको स्टिकर लगा के देते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, जिनको रिफ्यूज़ करना होता है उसी टाइम रिफ्यूज़ल के स्टैंप लगा के तो उनको कॉल कर देते कि आके अपना पासपोर्ट ले जाओ। तो मैं बस इसी चक्कर में था, और मुझे फिर जिसने पूछा है, मेरे एक दो दोस्त को पता था, मैंने उनको यही कहा कि मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि मुझे ये था कि ये नहीं लगना, मैंने सबको बताया कि रिफ्यूज़ हो गया। खैर, मैं गया, मंडे को कॉल आई, ट्यूसडे को मेरा दिल्ली ने किया जाने का, उसके नेक्स्ट डे वेनसडे को मैं सुबह उठाऊँ जाने के लिए निकलने लगा हूँ, फिर मैं सो गया। मैंने कहा छोड़ो यार, कि वही जाएगा उसके साथ चला जाऊँगा, मेरे से आते हुए गाड़ी भी नहीं चलनी है तो क्या करूँगा। खैर, फिर मैंने कहा चलो यार लोकल ही चलते हैं, क्योंकि जब रिफ्यूज़ हो जाता है ना वीज़ा, फिर बंदे को कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है दुनिया की। मैं पासपोर्ट लेने गया हूँ, डोर के बाहर खड़ा हूँ, यही सोच रहा हूँ कि यार रिफ्यूज़ तो हो ही गया होगा, लेकिन अब पास वो मुझे पता भी है, लेकिन पासपोर्ट लेते हुए दिल तो टूट ही जाता। फिर भी मैंने रसीद दी है, मैंने वहाँ पे जब मैं गया हूँ उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि वहाँ पे सबसे पहले एक लड़का था जिसको वर्क वीज़ा इशू हुआ था, उसके बाद एक लड़की थी उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, विजिट वीज़ा था, उसके बाद एक लड़की थी उसका हस्बैंड बाहर था उसका वीज़ा इशू हुआ है, उसके बाद एक लड़की थी उसका भी रिफ्यूज़ था, उसके बाद एक लड़का था उसका भी रिफ्यूज़ था, फिर मेरी बारी आई। लेकिन जब उसने मुझे पासपोर्ट दी उसने कुछ नहीं बोला, मैं समझ गया था कि वीज़ा फिर लग गया। मैंने पासपोर्ट देखा तो वो समझे कि मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ ही थी कि वीज़ा लग गया, वो भी 3-4 दिन के अंदर, और रिफ्यूज़ नहीं हुआ। तो खैर, ये मैं आपके साथ अपना थोड़ा सा वीज़ा, चले आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, पासपोर्ट से क्या दिखाना है, तो मेरा वीज़ा लग गया। तो मैं आपको अब ये रिकमेंड करूँगा कि फ़िलहाल आप अपना वीज़ा अप्लाई ना करो, अगर अप्लाई कर भी रहे हो ना तो आपकी ट्रैवल सी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और सबसे अच्छा आपका ट्रैवल प्लान जो है ना वो अच्छे से तैयार होना चाहिए। और जापान एम्बेसी में जो लोग काम कर रहे हैं वो थोड़े से इस वक्त जो है ना उकताए हुए हैं, उसमें यह सीन है कि वो सारा दिन केस सबमिट करते हैं, वो आपके एप्लीकेशन में थोड़ी सी भी गलती होती है वो पेपर उठा के फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी इंसान है, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं और हर चीज़ वो बार बार दोहराते रहते हैं कि किसी बंदे ने किसी पेपर पे स्टेपल नहीं करनी, पिन नहीं लगानी है, सारे पेपर सीक्वेंस में लगाने के लिए वो पहले पेपर भी देते हैं, ठीक है, फिर भी लोग अपने पेपर सीक्वेंस में ना लगाएं, पिने लगा के उनको फाइल पकड़ाएं, तो फिर उन्हें जारी सी बात है एक इंसान है वो गुस्सा तो कर ही जाता है, हर इंसान को गुस्सा आता है तो वो फिर गुस्सा कर जाते हैं इस चीज़ का। तो मेरा तो वीज़ा लग गया, लेकिन वहाँ जब मैं खड़ा था तब मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा कि जिनका वीज़ा इशू हुआ हो, इवन के वो बंदे थे जिनका 10 साल का यूके का लगा हुआ था, यूएसए का विज़िट लोग करके आए हुए थे, उसके अलावा पहले लोग जापान से विज़िट करके आए हुए थे, उन लोगों का भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप जापान जाने का ख्वाहिशमंद हैं तो फिलहाल जो है ना अपना ये प्लान थोड़ा सा पेंडिंग कर दें, क्योंकि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो वो 6 माह तक आप दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर ये है कि थोड़ा सा रश कम हो जाए, नॉर्मल सिचुएशन हो जाए, लोग जो है ना वो ज़रा रच जाएं, जो मतलब के बस ऐसे फाइल ले जाते हैं उनको पता नहीं किसी चीज़ का, बस कंसल्टेंट के पास गए, उनको बताया जी जापान का वीज़ा लग रहे हैं हमारी फ़ाइल बना दो, वो जाके जमा करवा दे, रिफ्यूज़ हो गया। तो खैर, जिन्होंने लगवाना वो थोड़ा सा भी वेट कर लें, जैसे ही नॉर्मल सिचुएशन होती है फिर अपना एप्लीकेशन जो है सबमिट करवाएं, तो इंशाल्लाह पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज़रूर आएगा। तो जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आपने ये किया जी, हम आपके जैसे वीडियो देख के हम वीज़ा जमा करवाने गए, लेकिन उसमें मैंने ये भी तो कहा था ना प्यारे भाई कि जो लोग एलिजिबल हैं सिर्फ वो अप्लाई करें। अब जो दूसरे लोग अप्लाई कर रहे हैं मैं उनको रोक तो नहीं सकता ना,
अब एक दिन में 400-400 बंदा जाके सबमिट करवाएगा तो उसमें ऐसी सिचुएशन तो फिर बनेगी ना। तो खैर जो एलिजिबल हैं उनको मिल भी रहा है, लेकिन हर एक को नहीं मिल रहा। मतलब कि समझ लें कि 100 में से अगर 10 बंदों को वीज़ा दे रहे हैं ना, तो 20-30 बंदे उसके अंदर वो भी बेचारे रिफ्यूज़ हो रहे हैं जिनका वीज़ा बनता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप इस वीडियो से आपके कुछ जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे कर सकते हैं कमेंट में, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।